हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनेक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योर सेल के बारे में कि सिक्योर सेल क्या है। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इसको SSH भी बोलते हैं, सिक्योर सेल को। तो अब हम बात करते हैं ये क्या है, और मैं आपको बहुत इजीली कॉन्फिग करना बताऊंगा। आप एक बार देख लोगे ना तो पक्का फर्स्ट टाइम में इसको कॉन्फिग कर लोगे अपने रेड हैट में। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, ये एक सिक्योर सेल है जिससे कि हम अपने डाटा को पूरा सिक्योर बना सकते हैं। मतलब कि जैसे आप क्लाइंट और सर्वर दो है, तो अगर हम आपस में डाटा को ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इससे डाटा सिक्योर हो जाता है। तो चलो अब अपन लैब पे आते हैं, लैब करके देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए कमांड डालता हूँ, यम इंस्टॉल ओपन SSH स्टार वाई। तो हम SSH को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड डालेंगे। तो मेरे पास ये दिखा रहा है कि पहले से इंस्टॉल है। तो इसके बाद अपने को क्या स्टेप करना है, इसकी सर्विस के ऊपर रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ, सर्विस SSHD रिस्टार्ट। तो आप इसकी सर्विस रिस्टार्ट हो गया। अब हम इसकी फाइल में चलते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना वो कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे इसकी फाइल कहाँ पे होती है, विम etc ssh sshd और यहाँ पे कॉन्फ़िग एंटरप्राइज कर देंगे, और यहाँ पे एंटरप्राइज कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पोर्ट नंबर 22 पे रन करता है। डिफॉल्ट पोर्ट इसका 22 है, ओके। प्रोटोकॉल 2 और 1 को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी ये रन किस पे कर रहा है, 2 पे, प्रोटोकॉल 2 पे रन कर रहा है। यहाँ पे ये आईपी एड्रेस के लिए है, ये ऊपर वाला आईपी एड्रेस 4 के लिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो आईपी एड्रेस 4 के लिए है, और ये IPv6 के लिए है, ठीक है। जैसे कि अपने को अगर और भी 3-4 IP ऐड करनी है तो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पूरा डाल के हम यहाँ पे नीचे अपनी IP डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है जो ये दिखा रखा है ना, परमिट रूट लॉगिन। यहाँ पे इसको बताया गया कि मतलब इसमें रूट भी लॉगिन कर सकता है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब हम लॉगिन करके देखते हैं कि हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। तो अब हम चलते हैं विंडो मशीन पे। विंडो मशीन में SSH का कुछ भी नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग नहीं आता है, इसमें हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम एक टूल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेंगे। बहुत छोटा सा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 32 है या फिर 64, आपका सिस्टम उसके हिसाब से कर सकते हैं आप। मैंने कर रखा है डाउनलोड, तो मैं उसको यूज में लेने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा डाउनलोड करके रख रखा पहले से ही, ये रहा। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मेरे को, ओके। तो अब मैं इसकी आईपी एड्रेस चेक करता हूँ कि मेरी मशीन की आईपी एड्रेस क्या है। इफ कॉन्फिग, तो 192.168.1.6 मेरे इसका आईपी एड्रेस है, तो मैं वहां पे डालता हूँ 192.168.1.6, और यहाँ पे पोर्ट 22 है ही, SSH पे अपन लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे ओके कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे अपन रूट से लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे रूट डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे अब पासवर्ड डाल दूँ 1। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ LS करके, इसका सबसे अच्छा फायदा पता क्या है, मैं आपको इफ कॉन्फिग भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो आईपी एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे इसका अच्छा फायदा है, जैसे कि अपने को किसी कमांड का नोट बनाना है तो आप यहाँ से उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड कॉपी हो गई, और अपने विंडो में इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लॉग वगैरह लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये। यहाँ से देखो वो सब कॉपी होकर अपन विंडो में उसको इजीली शो कर सकते हैं। अपनी अगर साइट पे डालना है तो उसको इजीली साइट पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वर्क करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरे हिसाब से शायद काफी इजी था। अगर आपको ये कॉन्फ़िगर करने में कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।